नमस्कार, मैं दीप्ति। आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। आज टीचर्स डे स्पेशल पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रिंसिपल एसटी फुलरवान गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल जलंधर से। उनका सबसे पहले हम स्टूडियो में स्वागत करेंगे, उनका और उनके साथ मैम है मिस अनु, उन दोनों का पहले सबसे हम स्वागत करते हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। थैंक यू। और पहले मैं विश करूँगी आपको हैप्पी टीचर्स डे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एक इंसान की लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जो एक टीचर है। जितना ज़्यादा मैं कहना चाहूँगी कि एक जो पेरेंट्स हैं एक इंसान की लाइफ में रोल प्ले करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा एक टीचर, क्योंकि एक टीचर ही है जो एक मार्गदर्शक का रूप अदा करता है, हमें गाइडेंस प्रोवाइड करता है, सही गलत के बारे में बताता है, और कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशनल जो स्रोत है वो हमारे लिए बन जाता है। तो मैं इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं मैम, उनसे नीरज सैनी मैम से हम बात करेंगे सबसे पहले, और उनके बारे में बताना चाहूँगी मैं आपको कि लास्ट ईयर ही उनको स्टेट अवार्ड विनर जो हैं वो रही हैं, और 20 से 22 साल की सर्विस जो है उन्होंने अपने इस करियर में दी है। और इसके अलावा मैं अगर कहूँ तो उन्हें द भारत स्कॉट्स एंड गाइड्स पंजाब में भी एज अ गाइड कैप्टन उन्हें जो है सर्टिफिकेट मिला है। तो मैम, मैं पहले आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपने 20 से 22 साल की जो सर्विस है इस टीचिंग लाइन में दी है, अब आपका ये जो सफ़र है आप इसे कैसे देखती हैं? देखो, लाइफ में ऐसा है कि पहले तो मेरे टीचर जो मेरे आइडियल रहे हैं, तो जब मैं स्कूलिंग की मैनेजर से, तो तब से मैंने सोचा कि ये टीचर ऐसे हैं, मैं इनको देख के ही मेरे मन में आया कि मैं टीचर बनूं। तो उसी सफ़र को तय करती हुई, अपनी क्वालिफिकेशन पूरी करती हुई, अपनी एजुकेशन पूरी करती हुई मैं इस फील्ड में आई, और जब से मैं इस फील्ड में आई हूँ पूरी इंजॉयमेंट से अपना काम करती हूँ, कभी इस काम को मैंने बर्डन नहीं समझा। तो मेरा मोटिव ये है कि मैंने बच्चों को गाइडलाइंस दे के जो जो अपनी एजुकेशन में सफ़र तय किए हैं उनको बिल्कुल साफ किया जाए, कि बच्चे प्रॉपर उनको गाइडलाइंस मिले कि कैसे उन्होंने अपना कैरियर चुनना है, कैसे उन्होंने आगे बढ़ना है, कैसे दूसरे लोगों को लिए, सबसे पहले तो उनको इंसानियत सिखानी है कि बच्चों को मैडम इंसानियत के नाते एक इंसान, अच्छा इंसान बने, अच्छे नागरिक बने, ताकि वो अपने परिवार से लेके समाज तक, अपने देश तक प्रॉपर अपनी सर्विस वो दे सकें। तो ये मेरा सफ़र ऐसे है कि मैंने एक ही स्कूल से मेरी ये सर्विस स्टार्ट हुई है। तो पहले मैंने एज अ टीचर, एज अ लेक्चरर मैंने काम किया, तो उसके बाद अब 4 साल से मैं प्रिंसिपल की चेयर पे हूँ। तो अब मेरे को ज़्यादा काम करने का वो मिल गया। पहले तो मेरा टीचिंग था कि बच्चों को मैंने पढ़ाना है, पढ़ा के फिर एक एक्स्ट्रा ऐसा मैंने मेरे मन में आया कि लड़कियों की एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। तो लड़कियों की एजुकेशन के लिए स्पेशल ये सोचा गया कि ये मन में आया कि स्कूल में कुछ ऐसा एक्स्ट्रा किया जाए कि लड़कियां पीछे ना रह जाएं। हर तरह से स्कूल में जो भी एक्टिविटीज़ थी, चाहे वो डिपार्टमेंट की ओर से हो, चाहे वो जलंधर एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से थी, सभी में मैंने अपने स्कूल की लड़कियों को पार्टिसिपेट कराया। कहीं कल्चर एक्टिविटी हो, तो कहीं कोई मैचेस हो रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे मैचेस हो रहे हैं, जहाँ कोई स्पार्क मेला है, तो मेरे स्कूल की बच्चियाँ हमेशा उनमें पार्टिसिपेट करती थी। क्यों? क्योंकि उनको गाइडलाइन ऐसी है कि जितना बच्चों का एक्सपोजर हो उतना बच्चे आगे बढ़ते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो आगे बढ़ता है। सो ऐसा है, मेरा मानना ऐसा है कि अगर एक टीचर जो है उसको एक कैंडल बनना चाहिए, जैसे कैंडल खुद जल के दूसरों को रोशनी देती है, टीचर का भी यही काम है। मैम, जैसे मतलब मैं आपके जो करियर है 20 से 22 साल का, मतलब ये जो दौर आपने देखा है बहुत सी चेंजेस आई हैं। पहले इतनी कंपटीशन नहीं होता था, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, है ना, इतनी फील्ड्स, मैम इतना कह लो आप स्कोप नहीं था इतना ज़्यादा, बट अब टाइम बहुत बदल चुका है। तो मतलब बच्चे जो हैं वो बहुत कंफ्यूज्ड रहते हैं अपने प्रोफेशन को लेके। मतलब एक टीचर का यहाँ पे मैं रोल मतलब पूछना चाहूँगी कि कितना अहम है। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए मैडम मैं आपको बताना चाहूँगी कि हाँ, मैंने स्कूल में जब मैं इस पोस्ट पे आई, प्रिंसिपल की पोस्ट पे, तो सबसे पहले मैंने एनसीसी यूनिट के लिए अप्लाई किया कि मेरे बच्चों को प्रॉपर गाइडलाइंस मिले,
एनसीसी के फ़ायदे बता के कि एनसीसी में क्यों लड़कियों को अडॉप्ट करना चाहिए। तो पहले तो ये इसके लिए तो सेल्फ सिक्योरिटी है, बच्चे अपना उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, सेल्फ सिक्योर हैं। अगर उनको ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाता कि मैं एनसीसी कैडेट हूँ। उसके बाद मैंने एनएसएस यूनिट स्टार्ट किया, तो ये दोनों यूनिट चल रहे हैं क्योंकि दूसरे लोगों के सामने साथ जाके एनएसएस एक समाज की सेवा के लिए ये यूनिट बनाया गया है कि अपने आसपास के एरिए को, अपने आसपास के लोगों को कैसे हमने मोटिवेट करना है। कि जैसे आप जानते हो कि भारत में हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया हुआ है, उसी के मद्देनज़र हमने बहुत से प्रोजेक्ट जो हैं स्कूल में शुरू किए हुए हैं। तो ये सेल्फ एनसीसी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए और एनएसएस समाज के लिए, तो ये दोनों यूनिट बखूब चल रहे हैं। बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, स्कूल के बच्चे जो हैं बढ़िया बेस्ट कैडेट, मतलब अच्छी तरह से हर चीज़ को ध्यान दिया जाता है। अगर जो भी फील्ड हम चुनते हैं उस फील्ड में बच्चों को ऊपर तक हमने लेके जाना है, ना कि बीच में छोटा है। तो ऐसा मेरा मानना है। कैरियर के लिए कैरियर गाइडेंस हमने एक कॉर्नर, एक रूम बनाया हुआ है। टाइम टू टाइम हम बच्चों को कैरियर के लिए भी उनको उनके संबंधित और उनके पेरेंट्स को बुला के भी टाइम टू टाइम ये बताया जाता है कि आजकल इस चीज़ की डिमांड है, ये कोर्स लड़कियों के लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा, इस लाइन में जाएँ तो ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ऐसा हमने काम किया हुआ है। हमारे प्रॉपर मेंटेन है रिकॉर्ड पूरा कि कैसे बच्चे कौन सी फील्ड में जाए, कितने परसेंट वाला बच्चा साइंस में जाए, मेडिकल और नॉन मेडिकल में, तीनों स्ट्रीम्स चल रही हैं स्कूल में, आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस। तो अलग अलग टाइम पे हम जो एक्सपर्ट्स हैं उनको बुला के भी बच्चों को लेक्चर दिलवाते हैं। और कभी भी कोई भी कोई कंपटीशन की तैयारी जो करवानी होती है तो पीछे कभी नहीं मैं रहती कि हमेशा मेरे बच्चों को ये गाइडलाइंस मिले। तो मैम, मेरा अगला सवाल यही है कि आपको जो अभी लास्ट ईयर 2016 में आपको जो स्टेट अवार्ड मिला है, आपको अवार्डी रही हैं, तो आप क्या कारण इसके पीछे मानती हैं कि आपको ये मिला है? मैडम, हाँ, स्पेशली ये मेरे से क्वेश्चन वहाँ जब मेरी इंटरव्यू हुई थी अवार्ड के लिए, तो मेरे से ये भी किया गया था कि आप स्पेशल लड़कियों को क्या करती हैं। मैडम, मैं तकरीबन, मेरे को जब से मेरी जॉब स्टार्ट है मैंने तब से लड़कियाँ अडॉप्ट करती हूँ। तो जो जो बच्चा अडॉप्ट करती हूँ उसके पूरे साल की जो उसकी परफॉर्मेंस होती है, जो उसका खर्चा होता है, वो पूरा मैंने बियर करना होता है। सिर्फ ये मेरे अंदर की आवाज़ है कि जो बच्चा लड़कों से ज़्यादा मैं लड़कियों को प्रेफरेंस देती हूँ। वैसे मेरे अपने एक बेटा बेटी है, बट बेटियों को मैं ज़्यादा प्रेफरेंस देती हूँ क्योंकि उन बच्चियों ने अगले घर जाना होता है, प्रॉपर उनको संस्कार मिलने चाहिए, अपने पाँव पे स्टैंड होना चाहिए कि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है तो कम से कम लड़की अपने लिए कमा तो सके ना। ऐसा सोच के ही करियर का मैंने एक वहाँ अपना कॉर्नर और रूम स्टार्ट किया हुआ है। तो मैम, मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि आप डेली बेसिस पे, मतलब बच्चों के बीच रहती हैं, आप उन्हें जब ऑब्ज़र्व करती हैं तो आप क्या, मतलब समझती हैं कि बच्चों के लिए जो आने वाला टाइम है वो कितना चैलेंजिंग है? सबसे पहले तो मैं दैनिक सवेरा चैनल का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया। और दूसरी बात मैम, सबसे बड़ी बात ये है कि अगर बच्चे घर में होते हैं तो उनकी माँ सबसे बड़ा रोल होती है उनकी लाइफ में, लेकिन जब बच्चे स्कूल में जाना शुरू कर देते हैं तो उनकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट रोल उनके अध्यापक का होता है, क्योंकि वो माँ से भी ज़्यादा जो टाइम है वो अपने टीचर के साथ स्पेंड करता है। तो टीचर एक, जैसे कि मैम ने आपको बताया कि टीचर अध्यापक ऐसा होना चाहिए जो कि खुद जलकर दूसरों को प्रकाश दे, तो टीचर का ये फ़र्ज बनता है कि वो ऐसा पढ़ाए बच्चों को, ऐसी मॉरल वैल्यूज सिखाएं कि उनकी लाइफ में बहुत सुधार हो, वो आगे से आगे जा सकें और वो अच्छी से अच्छी बातें सीख सकें। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आप आए, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। थैंक यू सो मच। हाँ, दैनिक सवेरे का स्पेशल हमारी तरफ से धन्यवाद, क्योंकि हमें यहाँ बुला के हमारे मन की बात दैनिक सवेरा ने पूछनी चाहिए कि एक अध्यापक कैसा होना चाहिए और कैसा उसको काम करना चाहिए और बच्चों में एक अध्यापक की क्या इम्पोर्टेंस है। बच्चे को अपना गुरु और गुरु को अपने बच्चे ऐसे होने बनाने चाहिए कि ताकि अगर दूर से भी किसी को पता चले तो
पता चले कि ये मेरा गुरु है, इसने मेरे को गाइडलाइंस दी हैं, इसी की बदौलत मैं यहाँ हूँ। तो आज मैं दैनिक सवेरा के स्टूडियो में बैठी हूँ, तो मैं भी आज एक अपने टीचर के बदौलत यहाँ बैठी हूँ जिसने मुझे पढ़ाया, अच्छे संस्कार दिए, और उसी की बदौलत मैं प्रिंसिपल की चेयर पर बैठी हूँ और आज आपके स्टूडियो में हूँ। दैनिक सवेरा का बहुत बहुत धन्यवाद।